हेलो एवरीवन, आज मैंने बनाया है व्हाइट सॉस पास्ता। बहुत ही क्रीमी सा चीज़, मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। और आपके पास हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया। ये मैंने व्हाइट सॉस थोड़े से शिमला मिर्च के साथ, प्याज के साथ बनाया है। तो चलिए देखते हैं रेसिपी मैंने बनाई कैसे है। तो यहाँ पानी रख दिया, ये हो गया। देखिए इसमें बबल्स आ गए हैं, तो थोड़ा सा गर्म। अब इसमें ऐड कर दीजिए थोड़ा सा ऑयल और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें सॉल्ट। अब इसको थोड़ा सा हिला लीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए अपने पास्ता। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पास्ता को। तो जब ये पास्ता बॉईल हो जाएंगे, फिर इनको व्हाइट सॉस वाला पास्ता हम रेडी कर लेंगे। तो दोस्तों, ये पास्ता हो गया है बॉईल, तो इसको छान लेते हैं और रेडी करते हैं व्हाइट सॉस। अब उसी सेम बर्तन में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा रिफाइन जीरा। जीरा के बाद मैं उसमें ऐड करूंगी हरी शिमला और प्याज। इन दोनों को ही मैंने मोटा मोटा काट लिया है। जीरा हो गया है तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए और इनको पका लीजिए। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दीजिएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। कवर कर दिया है कि छींटे उछके ना। तो ये दोनों ही हो गए, इनको एक कटोरी में निकाल लेते हैं और फिर हम इसी पैन में बना लेंगे व्हाइट सॉस। सेम पैन पे ही मैं ऐड कर रही हूँ बटर और अब इसमें ऐड कर दीजिए मैदा। ये खाने वाली चम्मच से करिए 2 चम्मच और इसको भी रोस्ट कर लीजिए। और फिर इसमें डालिए, ये रहा 1 ग्लास दूध। तो इस दूध को तो हमारी व्हाइट सॉस रेडी हो जाएगी। तो ये मैदा हो गया है, इसमें दूध डाल दीजिए आराम से और स्लो रखिए गैस और इसको चलाते रहिए चलाते रहिए। तो ये गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं स्पून चेंज कर रही हूँ और इसको अच्छे से, इसके सारे जितनी भी कुल्फियाँ हैं सब सही हो जाएगा स्लो आंच में। इसको दबा दबा कर चलाइए। तो मैंने इसमें 1/2 ग्लास दूध और ऐड किया है। अब इसको चलाइए, ये बस होने ही वाली है। अब इसमें ऐड करेंगे पिसी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक। हम इसमें ऐड कर रही हूँ, ये है काली मिर्च, घर पे ही पीसा है मैंने। थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स हैं, थोड़ा सा ये इटालियन सीजनिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। और अब इन सबको करिए अच्छे से मिक्स इस तरीके से। तो ये रेडी हो गई है हमारी व्हाइट सॉस भी। गैस कर दीजिए बंद। अब गैस बंद कर दिया है। अब इसमें ऐड कर दीजिए शिमला और प्याज। और जब हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे तो गैस ऑन कर लेंगे और इसको कवर कर दीजिए। अब ऐड कर दीजिए इसमें पास्ता और इन सभी को अच्छे से मिला लीजिए। तो देखिए ये हो गया अच्छे से मिक्स। और आप चाहें तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास हो, लेकिन मैं चीज़ इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो चलिए इसको कर लेते हैं सर्व। तो दोस्तों, ये हो गया है व्हाइट सॉस वाला पेने पास्ता, बिल्कुल क्रीमी सा रेडी। तो प्लीज़ दोस्तों, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो किया करिए। थैंक यू, बाय।